हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में मैं जानने आप सभी जानेंगे कि और इंस्ट्रक्शन मतलब RS लॉजिक 500 इंग्लिश सॉफ्टवेयर में क्या होता है। तो एक्चुअली और इंस्ट्रक्शन को हम लोग बेसिकली इसमें यूज करते हैं। ठीक, बेसिकली ये मतलब लॉजिक गेट आपने पढ़ा होगा, तो और गेट के बीच में आपने पढ़ा होगा। ठीक, मीन्स इसमें क्या होता है, अगर जी आपका माने सोर्स ए या सोर्स बी की वैल्यू क्या है, जीरो 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 है, तो आपका आउटपुट जीरो होगा। ठीक, अगर 1 0 कोई भी वैल्यू एक हाई है, तब फिर भी आपका आउटपुट हाई होगा। अगर बी का वैल्यू हाई है और जी सोर्स ए की वैल्यू लो है, तो आप फिर भी आपका आउटपुट हाई रहेगा। और दोनों अगर हाई है, फिर भी आपका आउटपुट हाई रहेगा। सो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यही आज पढ़ने वाले हैं। सो इंजीनियर्स, अगर और इंस्ट्रक्शन का मैं बात करूं, तो और इंस्ट्रक्शन का कैसे यूज करते हैं, तो उसके विषय में मैं आपको बता दूं। जो और इंस्ट्रक्शन है, ठीक, उसका कैसे मतलब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका बारे में मैं कुछ बता दूं, तो इसके ऊपर कुछ शॉर्ट्स नोट्स हैं। तो इंजीनियर्स, लेट्स सी। एक्चुअली और बिट वाइज और इंस्ट्रक्शन इन PLC, RS लॉजिक 500 इंग्लिश में बिट और इंस्ट्रक्शन का क्या यूज है, उसके विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं टुडे। और इन द OR इंस्ट्रक्शन वी टर्न द आउटपुट ऑन इफ द आइदर इनपुट इज ट्रू। इफ द फर्स्ट बिट इज ओनली सोर्स ए इज ऑन, द आउटपुट टर्न्स ऑन। मीन्स आपका सोर्स ए की वैल्यू ऑन रहे, ट्रू है, तो आपका आउटपुट भी ट्रू होगा। अगर इफ द फर्स्ट बिट ऑफ ओनली सोर्स बी इज ऑन, अगर सोर्स बी की भी वैल्यू ट्रू है और सोर्स ए का वैल्यू फॉल्स है, फिर भी आपका आउटपुट क्या होगा, ऑन रहेगा। लास्टली इफ द फर्स्ट बिट ऑफ बोथ सोर्स ए एंड सोर्स बी आर ऑन, द आउटपुट विल बी ट्रू। मीन्स आपका सोर्स ए और सोर्स बी का वैल्यू दोनों ट्रू है, फिर भी आपका आउटपुट ट्रू होगा। सो इंजीनियर्स, ये आप और गेट का कैसा होता है, तो ये आपका देखिए बिट वाइज इंक्लूसिव और, तो सोर्स ए का वैल्यू है, सोर्स बी का वैल्यू है, डेस्टिनेशन है। इन द अबव पिक्चर दे आर 3 पैरामीटर, इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं, सोर्स ए, सोर्स बी और थर्ड डेस्टिनेशन। तो एड्रेस ऑफ फर्स्ट बाइनरी वैल्यू, मीन सोर्स ए में एड्रेस ऑफ फर्स्ट बाइनरी वैल्यू, सोर्स बी में एड्रेस ऑफ सेकेंड बाइनरी वैल्यू, डेस्टिनेशन। ओ आर ऑपरेशन रिजल्ट ऑफ सोर्स ए एंड बी स्टोर इन द एड्रेस। मीन्स ओ आर ऑपरेशन जो होता है सोर्स ए और सोर्स बी की, मतलब वो जो रिजल्ट आता है तो वो डेस्टिनेशन में शो करता है। सो इंजीनियर, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। द बिट वाइज ओ आर इंस्ट्रक्शन इन लेडर लॉजिक रंग आउटपुट इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म्स एंड ऑपरेशन सोर्स ए एंड सोर्स बी प्लेसेस द रिजल्ट इन द डेस्टिनेशन टैग। द इंस्ट्रक्शन इज इनेबल व्हेन द प्रीसेडिंग लॉजिक इज ट्रू एंड डिसेबल अदरवाइज। मीन्स सोर्स ए आपका ट्रू है तो आउटपुट आपका ट्रू होगा, सोर्स बी अगर ट्रू है फिर भी आपका आउटपुट ट्रू होगा, और सोर्स ए और सोर्स बी दोनों ट्रू हैं फिर भी आपका आउटपुट ट्रू होगा। और ये यहाँ पे आपका और गेट का जो ट्रू टेबल होता है उसके विषय में ये है। तो देखिए, अगर 0 0 आपका वैल्यू है, फिर आपका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा, यानी फॉल्स होगा। 1 0 यानी ये सोर्स ए हाई है, तो आपका आउटपुट ट्रू होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर 0 1 है, तो आपका सोर्स बी का वैल्यू ट्रू है, तो आपका आउटपुट फिर भी ट्रू होगा। अगर दोनों वैल्यू क्या है, ट्रू है, फिर भी आपका आउटपुट ट्रू होगा। लिस्ट ऑफ पॉसिबल आर्गुमेंट्स, में क्या क्या आर्गुमेंट्स आते हैं, तो सोर्स एंड सोर्स बी कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग डाटा, कंस्टेंट भी हो सकते हैं, सेंट भी हो सकते हैं, इंट भी हो सकते हैं, डिंट भी होते हैं, और कैन नॉट बी डेस्टिनेशन ऑब्वियसली। सो इंजीनियर्स, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट और गेट इंस्ट्रक्शन इन RS लॉजिक 500 इंग्लिश सॉफ्टवेयर। एंड लेट्स इंजीनियर, लेट्स गो टू RS लॉजिक 500 इंग्लिश सॉफ्टवेयर वेयर आई हैव टू परफॉर्म अबाउट RS लॉजिक 500 इंग्लिश इन RS लॉजिक अबाउट ओ आर इंस्ट्रक्शन। सो इंजीनियर्स,
I have to go offline and delete this, and where you have to choose it. Actually, go to move logical, and here I have to click on it. So engineers, I have to put addressing binary. मैं इसको बाइनरी का एड्रेसिंग दे देता हूँ, यहाँ पे बाइनरी वन का एड्रेसिंग दे देता हूँ, यहाँ पे बाइनरी टू का एड्रेसिंग दे देता हूँ, एंड देन यू हैव टू कंपाइल इट। और एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक इनपुट लिया है आइस कॉलन 0/0 का, और यहाँ पे बाइनरी 0, बाइनरी 1, बाइनरी 2, सोर्स ए में, सोर्स बी डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग लिया, और यहाँ पे आई 0 मीन्स ऑल गेट का एक ये भी मतलब क्या होता है कि 0 0 रहे तो आपका आउटपुट क्या हो, मतलब फॉल्स हो, 0 1 यानी आपका सोर्स ए का वैल्यू हाई है फिर भी आउटपुट ऑन रहे, अगर सोर्स बी का वैल्यू हाई है फिर भी आपका आउटपुट ऑन रहना चाहिए, अगर दोनों वैल्यू सोर्स ए या सोर्स बी की वैल्यू दोनों हाई है ठीक फिर भी आपका आउटपुट ऑन, तो उस उसके अकॉर्डिंग मैंने ये छोटा सा लॉजिक बनाया ठीक। तो वो आपका कैसे परफॉर्म होता है, सेम यही है और ये भी दोनों सेम है। सो इंजीनियर आई होप यू अंडरस्टैंड, सो नाउ आई हैव टू डिस्कस अबाउट और इंस्ट्रक्शन इन आर एस लॉजिक। एक्चुअली बिफोर स्टार्ट डाउनलोड दिस प्रोग्राम आई हैव टू प्रेस F1 फॉर हेल्प अबाउट ओ आर इंस्ट्रक्शन। वेन यू हैव टू प्रेस F1 देन आवर F1 इंस्ट्रक्शन देन ओ आर इंस्ट्रक्शन विल बी ऑन, एंड हियर गो टू वेर इट विल बी टू then F1 actually it will be open. So engineers OR exclusive OR operation means OR gate का जो होता है उसके में all SLC and micro, ये सभी SLC and micro logic processor के साथ use हो सकता है। Bitwise exclusive OR source A and source B, actually source A में आपका 88 लिया गया, source B में N7 का integer लिया गया, और destination में वो आपका perform करेगा। डिस्क्रिप्शन अबाउट ओ आर इंस्ट्रक्शन, वेन रन कंडीशन आर ट्रू मीन्स आपका रन कंडीशन ट्रू है ठीक, सोर्स ए एंड सोर्स बी ऑफ द ओ आर इंस्ट्रक्शन आर ओ रेड और बिट बाई स्टोर्ड इन द डेस्टिनेशन मीन्स आपका ओ आर इंस्ट्रक्शन में सोर्स ए और सोर्स बी की जो भी परफॉर्मेंस होगा परफॉर्म करेगा वो आपका रिजल्ट डेस्टिनेशन में जाके स्टोर हो जाता है। सोर्स ए एंड सोर्स बी आइदर वर्ड एड्रेस और कॉन्स्टेंट, ये वर्ड एड्रेस भी हो सकते हैं कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं, हाउएवर बोथ सोर्सेज कैनॉट बी कॉन्स्टेंट यानी बोथ सोर्सेज कैनॉट बी कॉन्स्टेंट, दोनों सोर्सेज कैनॉट बी कॉन्स्टेंट, एक जैसा नहीं होना चाहिए इससे नहीं मैंने कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए। वी कैन इंटर ए कॉन्स्टेंट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंट ये सब है, सेम टू सेम एक्चुअली नहीं होनी चाहिए, एंड आई हैव टू प्रेस F1 देन वेयर आई हैव टू और वर्ड आइदर सोर्स पैरामीटर डेस्टिनेशन मस्ट बी वर्ड डेस्टिनेशन वर्ड एड्रेस होना चाहिए। इफ आर यूजिंग SLC 5/0 5/3 5/4 5 और माइक्रोलॉजिक प्रोसेसर यू कैन यूज इंडेक्स एड्रेस, इसमें हम लोग इंडेक्स एड्रेस यूज करते हैं ना कि इनडायरेक्ट एड्रेस फॉर द सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन पैरामीटर। इफ यू आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ प्रोसेसर देन यू हैव टू यूज इनडायरेक्ट एड्रेस टू परफॉर्म OR इंस्ट्रक्शन फॉर द सोर्स डिस्क्रिप्शन मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं सोर्स ए है सोर्स बी है डेस्टिनेशन वैल्यू है 0 0 है तो 0 है 0 1 है यानी सोर्स बी की वैल्यू हाई है तो 1 है 1 0 है सोर्स ए की वैल्यू हाई है तो आपका डेस्टिनेशन हाई है और दोनों अगर 1 है ट्रू है फिर भी आपका आउटपुट ट्रू है। सो इंजीनियर्स आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट ओ आर इंस्ट्रक्शन इन आर एस लॉजिक 500 इंग्लिश सॉफ्टवेयर एंड ऑल्सो अबाउट ओर गेट। सो इंजीनियर आई होप यू अंडरस्टैंड गुड। Now I have to download this program, then you have to click on open. Now you have
want to go online? Yes. Then I have to go to run this and to control T. Then here I have to press toggle bit. I have to press toggle bit and go to binary. And here let's see. Means 00 है, पहले क्या है आपका 00 है, ठीक, तो आपका आउटपुट हाई नहीं होगा। अगर 01 है तो आपका आउटपुट क्या होगा, ये देखिए बाइनरी 2 है तो ये आपका हाई हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर 1 और 0 है फिर भी आपका आउटपुट क्या है, हाई है। अगर दोनों 1 है, हाई है और ये भी हाई है, आपका आउटपुट क्या हाई है। तो मैंने आपका सोर्स ए में पहला लिया था 00, तो आपका आउटपुट हाई नहीं होनी चाहिए। अगर 01 लिया हूँ, सोर्स बी की वैल्यू हाई है तो आपका डेस्टिनेशन भी हाई होगा। अगर सोर्स ए की वैल्यू हाई है और फिर भी डेस्टिनेशन आपकी हाई होगा, मीन्स रिजल्ट आपका हाई होगा। अगर बोथ वैल्यू आर हाई देन आउटपुट विल बी हाई। सो इंजीनियर्स, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट ओआर इंस्ट्रक्शन इन आरएस लॉजिक 500 इंग्लिश सॉफ्टवेयर। Now I have to press toggle bit. Means in zero situation, means 00 रहेगा तो आपका आउटपुट हाई नहीं होना चाहिए। देखिए ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो आउटपुट भी आपका फॉल्स है। अगर मैं 01 means सोर्स बी की वैल्यू, मैं इसे सोर्स बी का वैल्यू मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, सोर्स बी के वैल्यू, और मैं टॉगल बिट प्रेस करता हूँ, फिर आपका आउटपुट क्या हो गया, हाई हो चुका है। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, यानी टॉगल बिट प्रेस करता हूँ ऑफ। अगर मैं सोर्स ए का वैल्यू हाई, टॉगल बिट प्रेस करता, फिर भी आपका आउटपुट क्या है, हाई है। अगर मैं दोनों वैल्यू को अगर हाई करूँ तो इसे भी करूँ, तो देख सकते हैं आप उस कंडीशन में भी ये आपका आउटपुट क्या है, हाई है। सो इंजीनियर्स, यू अंडरस्टैंड अबाउट OR instruction in RS Logic 500 English software, and you have already good knowledge about OR instruction in RS Logic 500 English software and OR gate instruction in OR logical instruction in RS Logic 500 English software. So, engineer, I hope you understand good. So engineers, if you are not subscribe my channel, then you have to subscribe my channel. Thanks engineers, Radhe Radhe. And upcoming video on XOR gate. Actually, next video on XOR gate. So engineer, you have to not forget to watch this video. Thanks engineer, Radhe Radhe.